मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। गेहूं उपार्जन केंद्र शुरू होने से किसानों ने ली राहत की सांस। सालाखेड़ी सोसाइटी का तोल अग्रवाल वेयर हाउस पर शुरू हुआ। सोमवार को अनुविभागीय अधिकारी तहसीलदार सोनम भगत ने स्वयं खड़े होकर अग्रवाल वेयर हाउस पर शुरू किया काम। ये सालाखेड़ी सोसाइटी जो है NBSC गोदाम पे गोदाम स्तरीय खरीदी कर रही थी जी। उसमें कुछ इश्यूज आए थे जिसके कारण से उन्होंने खरीदी बंद करने का निर्णय लिया था, मुझे अवगत कराया था। किसानों को असुविधा ना हो इसलिए हमने त्वरित रूप से एक अल्टरनेट व्यवस्था के तहत ये अग्रवाल वेयर हाउस में पूरी व्यवस्था जमाई है और आज से ही यहाँ पे जो है किसानों की खरीदी हमने शुरू करा दी। बिल्कुल शासन के नियमों को ध्यान में रखते ही खरीदी की जाएगी और जो शिकायत पुराने वेयर हाउस से मिली थी उसकी जांच कराई गई है। जिला स्तर की टीम भी आ रही है, उसमें जांच की जाएगी। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही भी होगी। ये मामला यूँ है कि यहाँ पे NBSC वाले 50 किलो 500 ग्राम ऊपर लेने का 500 तो ज़्यादा लिया था। 1 किलो ऊपर 500-400 और ऊपर ले, मतलब 1 किलो ऊपर ले रहे थे। इस कारण से झगड़ा हो गया था किसानों के इनके बीच में जी, इस कारण से बंद हुआ। कब से बंद पड़ा है ये? शनिवार के दिन से। खुजनेर में बखेड़ आम के पास बने वेयर हाउस पर गेहूं तुलवाई के लिए परेशान होते किसान धरना पड़ रहा है। घंटों का लंबा इंतजार। किसानों ने मांग उठाई है मजदूरों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर व्यवस्था ठीक कर दी जाए और जल्द तोड़े जाएंगे। प्रदेश के गृहमंत्री ने भोपाल में FIR आपके द्वार सेवा शुरू की। उसके बाद उज्जैन संभाग के IG राकेश गुप्ता ने उज्जैन कंट्रोल रूम से हरी झंडी दिखाकर FIR की गाड़ी रवाना की। FIR आपके द्वार नई योजना का पायलट प्रदेश का इस अवसर पर माननीय डीजीपी महोदय यहाँ उपस्थित थे और इसी की कड़ी में आज उज्जैन जोन में उज्जैन शहर में इसी योजना में हमने अपनी अपॉर्डी को प्रेगर करके किया। बेसिकली हमारे दो थाने, एक शहरी थाना चुबनगर और दूसरा हमारा ग्रामीण थाना बदलकर, इसमें हम ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। और इस पायलट प्रोजेक्ट में जो मुख्य रूप से रहेगा, अब आने वाली सभी सामान्य घटनाओं की FIR अब व्यक्ति के घर पर ही होगी और उसके लिए जो FIR भी है उस घटना स्थल पर जाएगी और वहीं FIR को दर्ज करेगी। ये सभी FIR भी उनके पास अपने लैपटॉप हैं जो अपने नेटवर्क से सुरक्षित हैं और वो वहीं से CCTV का उपयोग करके ऑनलाइन ही FIR इसमें दर्ज करेंगे। अभी हमारी शुरुआत है इसमें। इस पायलट प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ों में हमें मुश्किलें आएंगी या जो हमें सुधार की आवश्यकता होगी उसको हम समय समय पर करते रहेंगे। लॉकडाउन के तीसरे चरण में जनसेवा जोरों शोरों पर राहगीरों के लिए अग्रवाल परिवार ने निःशुल्क भंडारा शुरू किया। 2 दिन में करीब 4,000 लोगों को निःशुल्क भोजन कराया। जनसेवा का अद्भुत उदाहरण पेश किया। यहाँ तो सबसे महत्वपूर्ण भोजन की व्यवस्था, शीतल जल जो कि लोगों को, पानी के लिए कई लोगों ने बताया कि गुजरात से चले और ज़्यादा पानी नहीं मिला कहीं, क्योंकि सब कुछ कोरोना का खोप है, कोई भी अपने घर पानी पिला नहीं। ऐसे तो सब भारतीय संस्कृति में हर कोई सेवा के लिए। तो हमने अभी तक 2 दिन में लगभग 3,000 यात्रियों को भोजन कराया है। लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, लोगों के पास पैसा होते हुए उन्हें भोजन पानी नहीं मिल रहा है। बहुत सी जगह ये स्थिति है कि लोगों के पास पानी नहीं है और गाँव में उनको पानी भरने के लिए भी रुकने नहीं दिया जा रहा है, तो लोग बहुत परेशान है। राहगीर लोग बहुत परेशान है, कोई रिक्शे से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई लोडिंग में जा रहा है, कोई ट्रक में जा रहा है, कोई बसों में जा रहा है। करे ये समय ऐसा है कि हर आदमी की रसीद से ना किसी को पानी मिल रहा है, 1,000 रुपया दे के भी एक रोटी नहीं मिल रही है। तो हमारे परिवार का ये उद्देश्य है कि भैया ऐसे समय में लोगों की सेवा करो। छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, उनको मोटरसाइकिल पर क्या, दिन भर गर्मी में चलते हैं, पानी नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता है, चाय नहीं मिलती है। तो हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास है कि भाई कुछ भी सेवा कर सके। मतलब तो होता है कि भाई ये ऐसा समय है कि आपदा की घड़ी है कि हर आदमी परेशान है, पैसा देकर भी कोई चीज़ नहीं मिल रही है। तो एक छोटा सा प्रयास है अग्रवाल परिवार का। उज्जैन जिले की घटिया में कोरोना योद्धाओं ने ऐसा संकल्प लिया है जिसका कोई विकल्प ही नहीं है। उन्होंने बताया कि कोरोना से डरना नहीं बल्कि उसे लड़ना है, साथ ही देश और प्रदेश को इस जंग में विजय भी बनाना है। कोरोना योद्धाओं के अथक प्रयासों से आम जन सुरक्षित है। बैंकों में जो है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जो है वहाँ स्थानीय लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं और थाने से पुलिस का जवान भी लगा रखा है जो उनको समझाइश दे रहे हैं कि दूर दूर रहें। लॉकडाउन में प्रशासन की तरफ से बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं,
इनके तहत ये है कि लोग अधिकांश समय अपने अपने घरों में रहें और जब तक अति आवश्यक हो तब तक बाहर ना निकलें, क्योंकि इस समय बहुत सारा पैसा बैंकों में आ रहा है, उपार्जन केंद्र भी चल रहे हैं, इसलिए लोग कुछ निकल रहे हैं। इसके तहत हम लोगों ने जो बड़े बड़े गांव हैं या जहां पर उपार्जन केंद्र हैं वहां पर पुलिस की व्यवस्था लगा रखी है, जो उन लोगों को चेक कर लेती है जिन्हें अति आवश्यक हैं या पासदारी हैं, वो लोग आ सकते हैं, अन्य लोग नहीं आ रहे हैं। और जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ 188 की कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों पर हुई कैसी कार्रवाई अभी तक? अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर खबर हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।